यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तुम दर्श के लिए हैं जी टी। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो अगर आप लोगों को तो पता होगा कि कैसे ट्रेसी मेरे पास को लेती। अब कैसे ट्रेसी मेरे से ये बोल रही थी कि अभी जो जिमी है ना, उसके कैसे लड़ाई हो चुकी है, वो भी उसके कॉलेज में। अब कैसे जो जिमी है वो तो कैसे सुबह नहा धो के कॉलेज के लिए निकला था। अब कैसे ये क्या सीन हो गया, मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं था। इसलिए कैसे मैं जो है ना जिमी के कॉलेज में गया था। अब कैसे जिमी के कॉलेज में जाने के बाद मैंने देखा कि कैसे जिमी जो है ना वो तो कैसे ग्राउंड में पड़ा हुआ था। अब कैसे वहां पर दो चार बंदे थे, गजर मैंने उनको तो मार दिया था, लेकिन गजर जो जिमी है ना उसको गजर एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हो गया था। पता नहीं गजर ये केमिकल रिएक्शन कैसे था। अब गजर यहां पर जो ना मैं उसको हॉस्पिटल भी ले गया था, लेकिन गजर जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि जिमी का जो इलाज है वो नहीं हो सकता। वो केमिकल जो रिएक्शन था ना, उनकी दवाई नहीं थी इनके पास। अब गजर इसलिए जो ना मैं लेसर के पास गया था। अब गजर आप लोगों को पता होगा गजर लेसर है वो तो गजर एक तरीके हैकर है, मतलब गजर कंप्यूटर में उसमें दिमाग ज्यादा रहता है भाई, वो डॉक्टर कैसे होगा। लेकिन गजर लेसर के पास जाने के बाद लेसर ने मेरे को ये बता दिया गजर अभी एक बाबा है जो कि गजर हमारी हेल्प कर सकते हैं। अभी गजर मैं ना उसी बाबा के पास गया था, और वो जो बाबा है ना वो तो ये बोल रहे कि गजर अभी जो जिमी है ना, गजर अगर हमने दो घंटे के अंदर अंदर कुछ नहीं किया तो गजर जो जिमी है वो मारा जा सकता है। इसलिए गजर मैं जो ना एक आइलैंड पे गया था, वो भी गजर एक फलाए आइलैंड पे। गजर वहां पर जाने के बाद मैंने जो केमिकल्स की दवाई थी ना वो लेके आ गया सीधा बाबा के पास, और बाबा ने जो है ना गजर जिमी को जो पूरा ठीक कर दिया है। अब गजर इसको ना मैं एक नए हॉस्पिटल में लेकर आ गया था थोड़े बहुत चेकअप वेकअप कराने के लिए। तो गजर यहां पर जो घर जाने का टाइम आ चुका है, जिमी गजर अभी डॉक्टर वॉक्टर से बात कर रहा है। So, कैसे यहाँ पर मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। अब गजर आप लोग जिमी को देखो, मतलब कितना ज्यादा मस्त मोला हो रखा है। बट कोई नहीं गजर, यहाँ पर जल्द से निकलते हैं सीधा घर के लिए। जिमी को गजर यहाँ पर मैं घर पे ड्रॉप कर दूंगा और सीधा गजर मैं ना शोरूम के लिए निकलूंगा। यहाँ पर एक सेकंड, आगे जाने का रास्ता किधर है भाई? ये जो हॉस्पिटल ना ये गजर नया बना है, और गजर आप लोग देखो ये कितना तगड़ा हॉस्पिटल है। मैं जिमी को लेकर था गजर पिल बॉक्स हॉस्पिटल, वहां पर तो गजर इतना टूटा फूटा हो रखा था। एक दो ही हॉस्पिटल, मतलब एक दो ही जो डॉक्टर लोग थे, आई थिंक यहाँ ओके गजर मेन हॉल ये रहा, जल्द से मेन हॉल के लिए निकलते हैं। बाकी ये जो हॉस्पिटल है इतना ज्यादा बड़ा है, मतलब अगर मैं इसको पूरा घूमने लगा भाई, घूमना चाहता भी नहीं हूं। यहां पर भाई ऐसा फोटो फोटे खींचने हो रहे हैं। यहां पर जल्द से निकलते हैं, जिमी अपना पीछे पीछे आ रखा होगा। मैं सोच रहा हूं कोल्ड ड्रिंक मार लो यार, गला गीला छोड़ो यार, अभी घर चलते हैं। डायरेक्टली घर चल के ना सीधा मैं जिमी को पहले तो ड्रॉप कर दूंगा, और मैं इससे बोल दूंगा किसी से लड़ाई दंगे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर जो कॉलेज के बंदे होते हैं ना आप लोगों को पता होगा, वैसे यहां पर जिमी से फालतू बोल लगे। कैसे सीन ये होता है, कैसे अभी जो जिमी है वो कैसे गाड़ी वाड़ी ले गया था अपने शोरूम से लैम्बोर्गिनी। अब कैसे वहां के जो लोग थे, मतलब कॉलेज स्टूडेंट लोग थे, उन्होंने जिमी से बोला होगा भाई साहब गाड़ी दिखा दे। अब गया जिमी ने साफ मना कर दिया, तो इसलिए गया यहाँ पर जो लड़ाई हो गई थी। आज जब भैया जिमी कैसे ही करेगा, कितना ज्यादा टाइम लगा दिया है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो कैसे यहाँ पर जो जिमी है वो पूरा ठीक हो चुका है। सीधा कैसे घर के लिए लेके निकलते हैं इसको भाई। आज के बाद में लड़ाई वड़ाई करियो, मतलब वैसे तो कैसे इसकी कोई गलती नहीं थी, इसने मेरे को सब कुछ बातें बता दी है। बट कोई नहीं, अभी मेरे को अभी ये पता नहीं चला है यहाँ पर इसकी तो लड़ाई हुई थी, लेकिन इसके गिलास में किसी ने केमिकल मिला दिया था, तभी जो जिमी है वो एक तरीके से ज़ॉम्बी बनने वाला था। और तेरी भैंस क्या, अबे भाई सब कैसे गाड़ी चला रहा है, इसकी ऐसी कम तैसी, मतलब बाइक चला रहा है भाई, कितने तगड़े तरीके से अचानक ही कट मारा है। तो छोड़ते हैं इसको और सीधा घर के लिए निकलते हैं। तो भाई अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम कहते 2000 लाइक के लिए तो भाई पूरा करा देना। और सर अभी तक सेकंड चैलेंज चेक नहीं करता, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जगह चेक कर सकते, उस पर GTA 5 और मेरे को बिल्कुल बोला तो जैसे निकलता मैं अपने घर के लिए। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सर अपनी बाइक को भगाते हैं सीधा सब जो है अपने घर पहुंच चुका हूँ, सीधा अंदर की तरफ निकलते हैं। और यहाँ पर ओ भाई बच चुके भाई, अभी जो गाड़ी बिल्कुल जस्ट गेट के बगल में खड़ी थी, और ये मैडम जी क्या कर रही है यहाँ पर एक सेकंड, मतलब घर खुला हुआ तो भाई कोई भी आ जाओगे क्या? अबे इसको क्या हो गया, भाग कैसे रही है भाई ये, एक सेकंड भाई चुराव उरा के तो नहीं भाग रही ना? तो छोड़ते हैं भाई इसको भाई, अचानक ही भागने लगी है, मेरी शक्ल इतनी बुरी नहीं है भाई जो भाग रही थी। तो छोड़ते हैं गजर इसको, पता नहीं गजर मतलब घर खुला हुआ तो कोई भी आ जाएगा क्या, मतलब भंडारा थोड़ी बट रहा है यार। ओके गजर यहाँ पर अंदर की तरफ आ चुका हूँ, जल्द से जिमी को बुलाता हूँ और मैं सब बोल देता हूँ कि गजर अभी है ना यहाँ पर थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर ले। तो गजर यहाँ पर मैंने जिमी को बोल दिया यार अभी है ना तू जो है यहाँ पर थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर ले, और भाई साहब आते जो है कोल्ड ड्रिंक मारने स्टार्ट कर दिया है। और सीधे गजर अभी ना मेरे पास जो अंडर वाटर माफी को लाई है, अब वो मेरे को तुरंत के तुरंत ही अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है, मतलब गजर हमने जो उसको शोरूम गिफ्ट किया था ना उस पर बुला रहा है, चल के देख लेते हैं। बाकी अगर आज जो है मेरा SUV चलाने का कर रहा है, बाहर की तरफ अपनी लैम्बो भी खड़ी है, लेकिन अगर अपनी जो आज ऐसे भी चलाते हैं वो टक्कर तो नहीं लग रही ना, मुझे लगा था यहाँ पर जो थोड़ी स्क्रैचेस आ जाएंगे, बट गए यहाँ पर तुम्हारे भाई ने जो बचा लिया है। सो गए ये जो गाड़ी बैनी ने इंपोर्ट कराई थी, और मैंने बैनी को बताना भूल ही गया हूँ कि गजर ये जो है ना दो चार और ही मॉडल जो है इसका इंपोर्ट करा लेंगे। गजर यहाँ पर जो गाड़ी काफी बढ़िया है, अगर बिक्री हो जाती है तो और भी करा लेंगे, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और यहाँ का जो ट्रैफिक है ना भाई सब पता नहीं क्या सीन है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सो गाइस यहाँ पर जो मैं मर्सिडीज को भगाते हैं सीधे का समझे अंडर वाटर माफिया के शोरूम पहुंचने वाला हूँ। और गाइस आई थिंक मैंने जो है ना थोड़ा आगे तरफ गलत चला गया, मेरे को यहाँ से जो है ना लेफ्ट की तरफ टर्न मारना था और वो अंडर वाटर माफिया का शोरूम। सीधे का गाड़ी को अंदर की तरफ लेके चलूँ क्या? अंदर की तरफ ही लेके चलते हैं। ओ भाई इसका जो गैरेज है ना काफी ज्यादा बढ़िया है और छोटा सा लेकिन ठीक ठाक है यार, इसके लिए ठीक ठाक है, अभी स्टार्टअप है ना इसका। बाकी हमारा भी शोरूम है गाइस उसकी तो बात ही कुछ अलग है। अंडर वाटर माफिया बैठा हुआ है तो उसको बैठ रहने देते हैं। सीधा आगे की तरफ एक बार चल के देख लेता हूँ इसने गाड़ी वाड़ी इंपोर्ट कराई नहीं कराई है। यहाँ पर भाई सब काफी सारी गाड़ियां आ चुकी है और ये बंदा कैसे रो रहा है भाई? मुझे लग रहा है सर इसके जो पापा है ना वो मुझे लग रहा है भाई गाड़ी दुलाने की जिद कर रहा है लेकिन सर इसके जो पापा है वो दुलाना चाहते नहीं है। बाकी तो ये ग्रीन कलर की गाड़ी कितनी तो मस्त लग रही है ना भाई साहब। अंडर वाटर माफिया तो कहते हैं काफी तगड़ी तगड़ी गाड़ी इंपोर्ट करा दी है और ये वाली कौन सी है भाई? ओ भाई साहब ये तो गजर कुछ ज्यादा तगड़ी सी गाड़ी लग रही है। गजर इसका नाम मेरे को आई थिंक पता नहीं क्या है। बाकी गजर आप ये वाली रेसिंग कार है आई थिंक, ये वाली तो मैंने देखी हुई है और ये वाली भी काफी मस्त लग रही है भाई। यार इसने तो गजर सही में शोरूम की तो गजर शान ही बढ़ा दिया है। बंदे यहाँ पर अपना फोटो वोटो खींच रहे हैं गजर, गाड़ी इतनी तगड़ी तगड़ी ला रखी इसने। गजर इनको जो अपना फोटो वोटो खींचने देते हैं आप लोग निकलते हैं। बाकी गजर ये वाली जो गाड़ी है ना मैं इससे बोलूंगा कि भाई ये वाली जो गाड़ी मेरे चला कर जरूर दिखाई हो। सो कोई नहीं पर जैसे आके तो निकलते हैं और आई थिंक ये बैठा हुआ गाइस अंडरवाटर माफिया, इसने अपने दोस्त भी यहां पर बुला लिए हैं। आप लोग एक बार इसके दोस्त को देखो भाई इसके जितनी बॉडी है नहीं अंडरवाटर माफिया की थोड़ी ज्यादा बॉडी है। गाइस यहां पर जैसे अंडरवाटर माफिया से बात कर लेता हूं तो कैसे यहां पर मेरी अंडरवाटर माफिया से बात हो चुकी है। अब गाइस अंडरवाटर माफिया ये बोल रहा है कि गाइस 2 घंटे पहले वो अपने शोरूम में आया था। अब गाइस जैसे ही वो अपने शोरूम में आया था ना वैसे गाइस उसने ये देखा गाइस यहां पर एक गाड़ी मिसिंग है। अब गाइस यहां की जो असिस्टेंट है ना आप लोग जो वो देख पाओगे मतलब मेन काउंटर पे वो लड़की ये बोलेगा यहां पर बलास गैंग के मेंबर आए थे और वो जो गाड़ी वो जोर जबरदस्ती करके लेके जा चुके हैं। अब गाइस अंडरवाटर माफिया ये बोल रहा है कि तुम मेरे साथ चलना है और सीधा वो जो गाड़ी ना वो लेके आनी है। अब सीधा गाइस यहां पर अंडरवाटर माफिया गाड़ी के अंदर आकर बैठ, ये गाइस बलास गैंग जो बंदे नहीं गाइस मानेंगे नहीं। गाइस इनकी जो है ना मैंने थूत कितनी बार पीटी है ये भाई साहब, जब तक इनकी पीठ नहीं टूटेगी ना ये मानेंगे नहीं। बट कोई गाइस यहां पर जो गाड़ी को जो है पीछे की तरफ टर्न मारता हूं और सीधा गाइस अभी ना बलास गैंग के एरिया में निकल रहा हूं, इनकी गाइस मैं ना पीठ तोड़ दूंगा। अब ये जो बलास गैंग ना गाइस बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है। वैसे गाइस यहां पर अंडरवाटर माफिया का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा ग्रीन गैंग के बंदों से तो गाइस यहां पर जो ना वैसी लड़ाई चल रही थी क्योंकि गाइस सिमोन इमन का सीन हो गया था और अभी ना बलासन के एरिया में निकलता हूं तो इतना फोकस हो गया भाई। तो कैसे यहां पर तुम्हारा भाई गाइस गाड़ी को भगाते बस सीधा गाइस अभी ना बलासन के एरिया में पहुंच चुका है। हमारे जो सामने जो बलासन का एरिया है अब जाते ना मैं पहले तो आराम से बात करूंगा, अगर बता दे तो ठीक है, नहीं तो गाइस यहां पर जो ना मेरे पास और भी काफी ज्यादा रास्ते हैं तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। अपनी गाड़ी को जैसे लगाता हूँ यहाँ पर और सीधा इनसे बात कर लेता हूँ। बाकी गाइस कहाँ पर काफी सारे बंदे हैं, किसे पूछ लेता हूँ यार यहाँ पर जो है ना अंडर वाटर माफिया गाड़ी किधर की तरफ है। ये गाइस सारे जो है ना मिले हुए हैं आपस में, इसको देखो भाई हेलमेट लगा कौन बीड़ी पीता भाई, वो भी सस्ते वाली बीड़ी पी रहा है। अब मर वर जाओगे क्यों ही दमा वमा हो जाएगा, फालतू में फेफड़े गल जाएंगे। गाइस यहाँ पर इनसे बात कर लूँ जल्दी से, आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर मैं इनसे पूछ रहा हूँ गाइस यहाँ पर जो अंडर वाटर माफिया की गाइस गाड़ी किधर की तरफ है, लेकिन ये जो बंदे हैं ये भाई मानने के लिए राजी नहीं हो रहे। ओ तेरी भैंस की यार, यहाँ पर अंडर वाटर माफिया तो कोई अलग ही टाइप की गन लेके आ चुका है, मेरे को पक्का पता गाइस ये। ओ भाई अबे चुप यार साइड हो जा यार, मैं तेरे को मार नहीं चाह रहा। गाइस ये जो बंदे ना एक सेकंड, अच्छा बेटा तेरी हालत जो है मैं ऐसी कर दो मार मार के, ये बंदा फाइनल जा चुका है। मैं गाइस बलासन को कितनी बार मार चुका हूँ, 100 बार मार दिया है, लेकिन गाइस ये जो बंदा ना ये गाइस कितनी बार पिट पिट कर ढीट पड़ चुके हैं, इससे अच्छे तो लॉस होंगे भाई। एक सेकंड, एक बंदा वहां पर है अंडर वाटर में मजे चगा इसको जल्दी से। एक सेकंड गाइस ये बंदा फाइनल जा चुका है, एक बंदा गाइस वहां से भागता हुआ आ रहा है, उससे तो भाई मैं पूछने वाला हूँ। यहाँ आया है बेटा तू आ जा, यहाँ पर एक बंदा मैंने देख लिया है। एक सेकंड ये आ रहा है भाई भागता हुआ किधर किधर, मैं सकल दे वो रहा भाई साहब इसको तो गाइस यहाँ पर मैं कुल्हाड़ी से इसका सर फाड़ूंगा नहीं, इससे आराम से पूछूंगा तेरी ऐसी कम तैसी। भाई एक कुल्हाड़ी कदम नहीं है अभी, जिंदा है उठ कमर तोड़ दूंगा बेटा साइड आ पहले। तो गाइस इससे पूछना पड़ेगा यार यहाँ पर अंडर वाटर माफिया गाड़ी कहाँ पर है। तो गाइस जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। अब गाइस इस बंदे को पता है यहाँ पर जो अंडर वाटर माफिया गाड़ी कहाँ पर है, बेटा जल्दी से पीछे की तरफ आ जा नहीं तो एक कुल्हाड़ी दिख रहे हैं तेरे सर के अंदर बांट दूंगा सारा का सर जो है ना पपीता निकाल दूंगा। आ जा जल्दी जल्दी आ जा। अब ये एम्बुलेंस वाले अबे बलासन के मेंबर को बचा, अबे एक सेकंड यार ये एम्बुलेंस वाले मानेंगे नहीं है ना। एक सेकंड तुम्हारी ऐसी कम तैसी पहली फुर्सत निकलो जल्दी से निकलो यहाँ से, तुम निकलो जल्दी से, यहाँ पर जो ना बंदे बचने चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पर जो जल्द से गाड़ी को हटा दो। ओ भाई एक सेकंड तेरी बलास
तेरी ऐसी कम दस निकले यहाँ से, वो आ रहा बला सिंह का बंदा, ये भाई पिटेंगे और कुछ नहीं, अंडर वाटर हो जल्द से गाड़ी के अंदर आकर बैठ, सीधे निकलते हैं ये। अबे जल्दी आ भाई, इतना टाइम नहीं मेरे पास, तेरे लिए वेट नहीं करूंगा मैं। देखते ये बंदा कहाँ पर लेके जाने वाला है। अब भाई साहब ये तो बोले कि पीछे की तरफ ही चलो। ओ एक सिंगल सर, इनका ना पूरा गैरेज है लेफ्ट की तरफ, आप लोग देख पाओगे। सो कैसे इसके अंदर भी कभी होकर आएंगे, लेकिन कैसे इसके अंदर मैं अभी बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, क्या पता यहाँ पर कितने सारे बंदे जाए बिठा रखे उन्होंने। तो कैसे यहाँ पर जो मैं अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधे कैसे इसी बला सिंह के मेंबर बताई जगह पहुँचने वाला हूँ, और सीधे कैसे यहाँ पर अंदर की तरफ निकलते हैं। कैसे गाड़ी को जो है मैं यहीं पर लगा देता हूँ, बाकी यहाँ पर गन पहले अंदर की तरफ रखता हूँ, पहले प्यार से बात करूँगा। इन्होंने क्या बना रखा है भाई, छोटा सा गैरेज बना रखा है लोग यहाँ पर जो है भाई साहब। ये वाली कौन सी गाड़ी है भाई, ये तो कहते कोई रेसिंग कार लग रही है। और भाई साहब गए यहाँ पर इन्होंने हाथ भी किस पे मारा उसको देखो, इसकी ऐसी की तैसी, उठा यहाँ से भाई। गाड़ी में क्या करना चाह रहा है, एक लात कदम नहीं है बेटा तुम्हें ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ भाई साहब, और मैं बहुत तेरी भैंस की, तुम्हारी ऐसी की तैसी बेटा बला से बेटा इतनी बुरी तरह मारने वाला हूँ ना। यहाँ पर जैसे अंदर की तरफ निकलते हैं, अंदर की तरफ मेरे को ना बंदे लग रहे हैं एक सेकंड। अच्छा बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो सारे सारे ऐसे, तुम क्या करना चाह रहे हो यहाँ पर भाई। मैं तुम्हारी ऐसी बेटा नचा कर, ओ भाई इस बंदे को करंट लग गया भाई। ओ भाई भाई गजर ये बंदा मार जाता है, तू भी निकल बेटा। और अब भगने पर आ चुके भाई, अब गजर इनको ना अपनी औकात पता चल चुकी है भाई, ये जो है ना माइकल से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आप तुम्हारी ऐसी की तरह से बेटा शोरूम से अंदर आके गाड़ी चुरा के लेके जाओगे क्या, इस बंदे को क्या हो गया भाई साहब। ओ तेरी भैंस की भाई, मैं दूर हो जाता हूँ, छोड़ो भाई साहब कंप्यूटर चलाओगे क्या, इतने बड़े हो गए। तो छोड़ते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ जैसे निकलते हैं, ओ ये बंदा फाइनली मार जा चुका है। और वो बंदा किधर की तरफ है गजर, मैं सोचा उसका मत्था सुझा देना चाहिए। गजर यहाँ पर जो मैं सोच रहा हूँ इस बंदे का मत्था सुझा, तो ओ भाई एक सेकंड कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तेरी ऐसी तैसे निकले यहाँ से। ओके यहाँ पर जो मैंने इसका मत्था सुझा दिया है, अभी कहते हैं यहाँ पर जो एक सेकंड बाहर था कोई बंदा बंदा रखे क्या, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है बेटा। शटर खोलो खोलो खोलो, शटर खोल दो जल्दी, तुम्हारी ऐसी तैसे निकलो सारे सारे से भाई, इनके पैर मेरे को दे चुके हैं। अंडर वाटर में जल्दी से गाड़ी के अंदर आकर बैठ, तुम्हारी ऐसी तैसे। ओ भाई साहब काफी सारे बंदे आ चुके हैं, टोपी उतार उतार के मारू, निकलो सारे सारे यहाँ से एक सेकंड। ओ भाई साहब कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ कर यार, ये तो आते रहेंगे। ओ तेरी भैंस का बंदर हो रखे भाई, अबे लंगूर बना दूँ एक सेकंड में, आजा आजा तू आजा भाई साहब, इतना बड़ा हो गया क्या, कहाँ कहाँ छत छत पे से कूद कर रहे हैं बेटा, तुम्हारी ऐसी निकले यहाँ से। ओके ये बंदा फाइनल जा चुका है, यहाँ पर गाड़ी को लेते हैं और मैं अंडर वाटर ऑफिसर बोलता हूँ कि तू गाड़ी को लेकर सीधा अपने शोरूम के लिए निकल। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सर अपने मैंने अंडर वाटर माफिया को बोल दिया कि तू जल्दी गाड़ी को लेकर निकल जा, और भाई अपने जो शोरूम है ना उसके अंदर थोड़े बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े करवा ले। अब गाइस यहाँ पर अंडर वाटर माफी बोल ले कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो गाइस सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा लेगा यहाँ पर भाई। आप लोग देखो तो गाइस अभी ना मेरे पास जो बेनी को लाई है, और भाई अपनी गाड़ी की हालत रखी यार, और गाइस बेनी जो है ना मेरे को तुरंत तुरंत ही अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है। बेनी बोल रहा है जल्द से जल्दी आ जाओ, कुछ काफी एक अर्जेंट बात बतानी है। अभी गाइस यहाँ पर गाड़ी को भगाते हैं, और गाइस आप लोग मेरी गाड़ी की हालत देखो यार भाई, दरवाजा भी खुला पड़ा है, मुझे लग रहा है इसका जो डोर है वो क्रैक हो चुका है। ओके जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गाइस यहाँ पर गाड़ी को भगाते बस सीधे गाइस फिर अपने शोरूम पहुंचने वाला हूँ। और भाई गाड़ी की जो हालत है ना गाइस काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जैसे तैसे करके पहुंच तो गया हूँ। और मैं बेनी से बोल दूंगा कि भाई साहब इसको जो ना मॉडिफाई कर दियो, लेकिन पहले काम की बात सुन लेते हैं कि गाइस यहाँ पर बेनी ने किस लिए बुलाया है। यार ये जो शटर है ना भाई बहुत लेट खुलता है, इस वजह से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। गाइस गाड़ी जो ना यहीं पर लगा, ओ भाई साहब क्या ही मैंने स्लिप मारी है, और वो बच भी गया है भाई। अपने शोरूम से जाए तो गाइस यहाँ पर जो ना अंडर वाटर माफिया के शोरूम में भीड़ लगने लगी है, अपने शोरूम में एक भी बंदा नहीं है भाई साहब, क्या सीन हो रखा है। पार्टनरशिप कर लें क्या, पार्टनरशिप यार अपना दोस्त है। यहाँ पर ये बेनी से जल्द से बात कर लो, पूछता हूँ क्या सीन है। सो कैसे यहाँ पर मेरी बेनी से बात हो चुकी है। अब गाइस बेनी तो ये बोल रहे गाइस अभी लॉस सैंटोस के अंदर गाइस इंडियन कार आई हुई है। अब गाइस आप लोगों को पता होगा सर जो इंडियन कार्स होती है ना कितनी ज्यादा रेयर होती है भाई, मैंने आज तक लॉस सैंटोस में अपनी जिंदगी में चलते हुए नहीं देखी है। लेकिन गाइस बेनी ये बोल रहे गाइस अभी वो आई है, और गाइस कार को शिप से वो कहीं और जा रही है, मतलब गाइस मेरे को लग रहा है भाई कोई काफी अमीर बंदा होगा जिसने गाइस यहाँ पर जो इम्पोर्ट कराई है। अब गाइस ये जो गाड़ी कहीं और जा रही है, बेनी ये बोल रहे गाइस इससे पहले गाइस यहाँ पर कार को प्लेन में मतलब कार को शिप में गए वो कहीं और जाए उससे पहले गए हमको जो ना वो चुरा लेनी है। अब गए बहन तो ये बोल रहे अभी जल्द से जल्द चलते हैं, इससे पहले गए यहाँ पर जो ना कहीं दूसरी कंट्री में चले जाए। गए यहाँ पर मेरा भी मन कर रहा है, क्योंकि गए आप लोगों को पता होगा गए यहाँ पर इंडियन जो कार्स होती हैं कितनी ज्यादा रेयर होती हैं। जल्दी से आ यार बहनी, इतना लेट मत कर। अब भाई बहनी ने बोला कि भाई सब जल्दी चलते चुराने के लिए। यहाँ पर मैं लमार की हेल्प ले सकता था, लेकिन लमार का आता पता ही नहीं है, फोन भी गाइजर उसका स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्या करने में लग रहा है। अब गाइजर मैं वहां पर जाऊँगा ग्रीन गैंग के एरिया में जाऊँगा। ओ भाई सब एक सेकंड भाई, बाइक ने भाई नशे कर लिए भाई, बाइक उड़ रही थी अभी लिटरली में। और यहाँ पर आप लोग पीछे वाला रास्ता देख रहे हो, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं गाइजर, ये जो लोग अपना कर देंगे। तो कैसे यहाँ पर बाइक को भगा दे बस सीधे का सभी ना उसी लोकेशन पहुंच चुका हूँ,
जिस लोकेशन पे कि मेरे को जो है बैनी बता रहा है। अब भाई बैनी को ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया है अभी गजर कुछ पता नहीं। ओ भाई भाई गजर यहाँ पर मेरे को गाड़ी दिख चुकी है, वो गजर वहाँ पर ना ट्रक के अंदर खड़ी हुई है। यहाँ पर पता नहीं गजर क्या सीन होगा भाई, किसी बड़े माफिया की गाड़ी लग रही आ रही। तो भाई सब काफी तगड़ी तगड़ी गजर ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है। और ये पुलिस वाले को देखो, मतलब गजर एक गाड़ी इनसे नहीं रुक रही है। अब यार डूब मारो यार पुलिस वाला, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो छोड़ दे गजर यहाँ पर पुलिस वुलिस का लोचा। यहाँ पर मेरे को समझ आ गया गजर यहाँ पर चुराएंगे कैसे भाई उनकी गाड़ी को। एक सेकेंड, ओ भाई सब क्या करना चाहिए यहाँ पर गजर। ओ भाई गजर यहाँ पर पहले तो अपनी बाइक को लगा दो जल्द से और सीधा उतर के देखना पड़ेगा गजर यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है। यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है बैनी, यार कैसे चुराएंगे भाई, इम्पॉसिबल है यहाँ पर चुराना। एक सेकंड गजर यहाँ पर पहले तो छुप के देखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी आ रखी है, पता नहीं। एक सेकंड भाई बैनी तू कहाँ से आ गया सामने की तरफ। गजर यहाँ पर मेरे को जो गाड़ी दिख चुकी है पता नहीं कौन सी गाड़ी है। ओ भाई आप लोग जो ब्लैक कलर की गाड़ी देख पा रहे हो तो गजर ये ना पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और भाई किसी ना बड़े माफिया है किसी उनकी गाड़ी हो सकती है। और भाई यार ये बैनी फसवा वसवा ना दे, क्या पता यहाँ पर हम चुरा के ले जाएं और वो जो माफिया वो गए हमारी मतलब कुछ भी कर सकता है यार। ऊपर की तरफ चढ़ चढ़ के बैठे भाई बंदे, एक बंदे यार ऊपर की तरफ। और तो ओ भाई गजर यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है भाई, बैनी मेरी बात सुन, ये वाला प्लान मुझे लग रहा है कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि गजर यहाँ पर जो इतने सारे बंदे, मैं बैनी से बोलता हूँ बैनी छोड़ते हैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। तो गजर यहाँ पर बैनी ने मेरे से ऐसी बात बोल दी है कि गजर अब तो मेरा और ज़्यादा मन करने लग गया है गजर ये जो गाड़ी चुराने का। बैनी ये बोले गजर अगर हमने दो गाड़ी है ना दोनों के दोनों चुरा लेना तो गजर यहाँ पर जो ना इन गाड़ियों को अगर हम बेचेंगे ना तो गजर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करोड़ों रुपए आने वाला है। अब सीधी सी बात है गजर, सबसे पहले तो ना इन बंदों को ऊपर वाले बंदों को निपटाना पड़ेगा। निकल तेरी ऐसी की तैसी, एक बंदा ही जा चुका है, तू भी निकल ऐसे, ये बंदा फाइनल जा चुका है और बेटा आप भी निकले। ओके गजर ये बंदा फाइनल जा चुका है, यहाँ पर जो ना बैनी भी लग चुका है। पहले तो गजर अपने गन चेंज करता हूँ। ओ भाई साहब कितने सारे बंदे, आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी निकलो सारे सारे ऐसे। भाई इनको ना बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ओ शक क्यों होगा भाई, इनको पता चल चुका है पीछे की तरफ एक बंदा हो रहा है। बैनी यार मारे ओ तेरी एक यार, ये भी गजर फाइनली जा चुका है। गजर वो तो अच्छा गजर हमें ना पूरा कवर में। ओ एक आ जा बेटा तेरी तो मैं ना पीठ तोड़ दूँ। बैनी साइड हो, तेरी खोपड़ी में लग जाएगी यार, अभी बच गया, तेरी खोपड़ी खुल जाती है अभी यार यहाँ पर मेरी गन से। ओ एक बंदा भाई, अच्छा बेटा तेरे हाथ पे ही ना मैं भाई इतने बुरे से मारने वाला। तो भाई कितने बंदे हैं भाई यहाँ पर चढ़ चढ़ के बैठे हुए थे। ये बंदा फाइनल जा चुका है, दोनों के दोनों बंदे जो है वो मार जा चुके हैं। भाई साहब काफी सारे बंदे, बैनी हट जा यार, तेरी खोपड़ी के सारे सारे बाल उतार दूँ अभी मैं। अबे यार बैनी तू तो चिपक के, यार बैनी क्या हो गया भाई तेरे को, तू कब से ऐसा होने लग गया भाई। एक सिंगल से यहाँ पर जो ओ और तो कोई नहीं ना, बाकी अगर वहाँ पर एक दो बंदे हो रहे हैं बेटा तू भी निकल यहाँ से। और कैसे ये फाइनली जा चुका है, वो तो अच्छा कैसे यहाँ पर मैं आर वार पहन गया था, उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। एक बंदा हो रहा, रुक जा रुक जा, तेरे तो मैं ना पैर तोड़ दूँगा। ओ ओ एक ओ भाई बच कैसे गया भाई ये बंदा ऊपर तक, अच्छा वो खड़े हो भाई उनको कुछ पता नहीं है, आप भी निकले और बाय बाय ब्रो। ये बंदा फाइनली जा चुका है गाइस, यहाँ पर काफी सारे बंदे मैंने मार दिए हैं। बैनी से एक बंदा नहीं मर रहा सही बता रहा हूँ, और तो कहीं ना बाकी वैसे यहाँ पर काफी सारे बंदे तो मैंने मार दिए हैं। और इसको देखो भाई पीछे की तरफ छुप छुप के बैठा हुआ है, एक वहां पर भी है। अच्छा बेटा मैं तभी कहूँ यार हमारे ऊपर गन तो चल रही है लेकिन चल कहाँ से ये पता नहीं चल रहा है, कंटेनर के अंदर घुसा घुसा के मारू हुआ। गाइस यहाँ पर सारे के सारे बंदे आई थिंक मार जा चुके हैं, एक बंदा हो रहा बेटा तू भी निकल यहाँ से। ओके लेट्स गो, ये बंदा फाइनली मार जा चुका है, तुम्हारी ऐसी की तैसी बेटा, जैसी मारा ना ऐसी पड़ा रहा है। ओ ओ ओ ओ भाई भाई अच्छा बेटा सकल दिखा गाइस इसको ना मैं फूंक, तुम्हारी ऐसी की तैसी। गाइस ये बंदा फाइनली मार जा चुका है, और तो कुछ ना बाकी है। यहाँ पर आप लोग ऊपर की तरफ देखो भाई, अबे क्या सीन हो रहा है भाई, तुम्हारी हल्के वल्के मिले रोके मेरे को। तो ऊपर था दो चार ये बंद नहीं, बंदे नहीं है वो गजर, कोई टैंक वैंक है गजर। फाइनली सारे के सारे जो बंदे हैं वो मारे जा चुके हैं। ओ भाई 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 वो था एक बंदे रहा, आप क्या करो बेटा। ओ भाई पूरा बुलेट वो आर्मर के अंदर है भाई ये बंदे, तो इसको तो उतार के मारना पड़ेगा बेटा। बाहर की तरफ निकल, तेरी ऐसी की तैसी, रुक 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 तुम्हारी ऐसी की तैसी। मतलब गजर इस बंदे को देखो पीछे वाले रास्ते से ड्राइविंग सीट बैठ चुका है, तेरी ऐसी की तैसी बेटा तू ड्राइविंग सीट बैठेगा क्या, इतना बड़ा होगा। निकल तेरी, ओ भाई गजर क्या एक गंदा मारा है बैनी। तो ये वाली गाड़ी इंडियन गाड़ी तो नहीं लग रही है, बैनी तो बोल रहा था इंडियन गाड़ी होगी, ये तो कोई अलग ही टाइप की गाड़ी लग रही है भाई, मेरे को तो कहीं से इंडियन नहीं लग रही। और यहाँ पर एक तेरी ऐसी की तरह से, अच्छा बेटा गाड़ी को कहाँ ले जाने का प्लान है, जल्दी जल्दी से उतर। तुम्हारी ऐसी थी बेटा, तुम मेरे को हल्के वल्के मिले रोका, तुम्हारी बेटा बजा के चले जाऊँगा। अबे सुन भी तो नहीं दे भाई ये उतरी बहस की, अबे भाई क्या सीन हो गया, तू उतर उतर उतर। अबे भाई मेरे को उतरे हल्के वल्के मिले रोका तुम भाई साहब, मतलब भाई मैंने उसको उतारा है और वो भाई बैठना चाह रहा है
फाइनली मर चुका है, बेहोश हो चुका है, इसको कुछ पता नहीं। एक्चुअली मैं गजर इसमें ना बम बजा रहा हूँ, बम के बजा रहा हूँ, और ये वाली गाड़ी इंडियन गाड़ी है, और गजर आई थिंक ये जो है ना स्कॉर्पियो है। ओ भाई गजर मैं स्कॉर्पियो चलाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई साहब, क्या तगड़ी गाड़ी लग रही है। तो गजर यहाँ पर मैं बेनी से बोलता हूँ कि ये वाला जो ट्रक है ये मैं लेके जाने वाला हूँ, तू आगे वाले ट्रक के अंदर बैठ जाओ। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गजर यहाँ पर मैंने बेनी से बोल दिया कि तू आगे वाले ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाए जल्द से जल्दी, और बस मेरा पीछा करता रहियो। और सीधे गजर अभी ना अपने शोरूम के लिए निकलते हैं। गजर यहाँ पर आप लोग गाड़ियाँ देख पा रहे हो गजर, कितनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ हमने जो चुरा लिया। फाइनली बेनी एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को आग की तरफ निकलने दे, तू मेरा जो है मेरे पीछे पीछे आते रहियो। गजर यहाँ पर कुछ पता नहीं है गजर क्या से क्या सुना जाए। बेनी आज जल्दी से भगा लिया, क्या करना चाह रहा है यहाँ पर बेनी का ट्रक? भाई पंचर वंचर हो गया क्या? नहीं पंचर नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि गजर यहाँ पर पंचर हो चुका है। बेनी अपना आराम से आ जाएगा, भाई बेनी थोड़ा ध्यान से चला कर लेके आ जाओ। बाकी यहाँ पर मैं स्कॉर्पियो चलाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बेनी कहाँ पर है? अब भाई यार बेनी यार आराम से आ जाएगा, बेनी इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जल से भगाता हूँ, और भाई साहब ये ट्रक भाई कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ना, ट्रक भी काफी ज्यादा मस्त है। और ये बेनी लोग अगर बेनी पीछे पीछे आ रहा है यार, बेनी अगर इतनी ज्यादा स्लो तरीके से आएगा तो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लग जाने वाला है यार। थोड़ा भगाते ला यार, तू अच्छा खासा अपना इतना तगड़ा मैकेनिक रह चुका है, सीधी सी बात है ड्राइविंग तो इस पर अच्छी खासी आती होगी। मैं ट्रक को काट लूँ यहाँ से। ओके यहाँ पर जैसे काट लेते हैं, ओ ओ ओ ओ जैसे ये जो रास्ता निकल जाएगा ना मुझे ऐसा लग रहा है। बेनी इधर से ले यार, कहाँ ले जा रहा है? सीधे गजर जो अपने शोरूम के लिए निकलते हैं। सो लो गजर यहाँ पर जो है बेनी भी अपना आ चुका है सीधा। अब भाई मैं तो सोच रहा हूँ धीरे धीरे चलाते हैं, बेनी पता नहीं गजर किस हिसाब चला रहा है, आराम आराम चलाते हैं। बाकी गजर ये जो ट्रक है ये भी गजर मैं रखना। ओ भाई भाई पागल वागल तो नहीं हो गए यहाँ के लोग भाई, किस हिसाब से काट रहे हैं? और यहाँ पर ओ भाई एक सेकंड, यहाँ पर इतने सारे ट्रक किस ला रखे हैं भाई, ये क्या सीन करना चाह रहे हैं? बेनी को गजर उन्होंने घेर लिया है, मैं उतर के बजाना स्टार्ट कर दूँ बेटा, आराम से बता दो कौन लोग हैं। ओ भाई सब सारी ऐसी की तरह, ओ भाई एक सेकंड गजर ये जो लोग हैं कौन लोग हैं? आते उन्होंने बजाना स्टार्ट कर दिया है, तुम्हारी ऐसी की तरह बेटा बजा कर दो एक सेकंड अंदर, बेनी मारना स्टार्ट कर दे। एक बंदे रहा तुम्हारी ऐसे अंटियाँ, ओ भाई भाई तू भी निकल जाते हैं भाई सब, ये बंदे कौन है? आते गजर मारने स्टार्ट कर दिया, वाह भाई वाह। मतलब भाई सब पहले तो है ना बेनी का ट्रक रोका, फिर कैसे इन्होंने जो है एक सेकंड गजर यहाँ पर जो मैं पहले ये जो ट्रक है ना ये साइड में करता हूँ, क्योंकि गजर यहाँ पर बेनी एक सेकंड इस बंदे को देखो भाई क्या करना चाह रहा है। यहाँ पर जैसे निकलते हैं इससे पहले गजर कोई और भी बंदा है ना, बेनी जल्द से बैठ जाए गाड़ी के अंदर और सीधे निकलते हैं यहाँ पर। मैं भाई मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, सो कैसे यहाँ पर ट्रक को भगाते हैं जल्द से। बेनी भी अपना पीछे पीछे की तरफ आ रहा है, मैंने बेनी से बोल दिया कि भाई ब्रेक से जो पाँव हटा ले, और भाई साहब इस ट्रक का जो टायर है वो पंचर हो चुका है। अब भाई मैं ट्रक का टायर पंचर हो चाहे पूरा ट्रक ही फट जाए, भाई मैं ट्रक को बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गजर यहाँ पर ट्रक को भगाते बस सीधे कैसे अभी अपने शोरूम पहुँचने वाला हूँ, अपने शोरूम पहुँचने वाले का पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर गजर सबसे पहले अपने ट्रक को आगे की तरफ लेके चलता हूँ, और बेनी का भी आता पता नहीं बेनी पीछे की तरफ ही होगा। भाई भाई बच गया बच गया। ओ भाई सब अगर यहाँ थोड़ी सी भी टक्कर होती ना, टक्कर तो हो गई थी, थोड़ा सा बैलेंस भी करता भाई नीचे की तरफ खाई में जाए गिरते, और ना ही गाड़ी हाथ में आती ना कुछ हो पाता। यहाँ पर मैं इस ट्रक को ना अंदर की तरफ नहीं लेके जाने वाला, यहाँ पर लगाता हूँ। बेनी पता नहीं किधर की तरफ ही रह गया यार, बेनी अपना आ रहा होगा। सो कैसे यहाँ पर जो है मैंने इस ट्रक को पूरा का पूरा खोल दिया है, अभी कैसे यहाँ पर अंदर की तरफ निकलते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर जल्द से बैठ जाता है। ओ भाई साहब गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, कैसे गाड़ी क्या तगड़ी लग रही है भाई साहब, मैंने क्या ही तगड़े तरीके से कुदा दिए है, और कैसे स्कॉर्पियो क्या ही तगड़ा मॉडल लग रहा है। और भाई मैं जो है ना अब इसका अपने पर्सनल यूज में लेने वाला हूँ, सीधी सी बात है गजर वैसे भी काफी ज्यादा रेयर कार्स होती है। बेनी कहाँ पर है यार? बेनी को देख, बेनी को जाकर देख लेता हूँ, गाड़ी का स्पीड टेस्ट भी कर लेंगे और बेनी को देख भी लेंगे कहाँ पर रह चुका है बेनी। ओ भाई साहब भाई ऐसी चढ़ जा रही है गाड़ी, तो भाई काफी तगड़ी गाड़ी है। अपने पास जो सुबह सुबह हम चला रहे थे ना वो मर्सिडीज का एडिशन, उससे भी तगड़ी गाड़ी लग रही है। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर गाड़ी को भगाते हैं, और बेनी को मैं देख लेता हूँ। जैसे आप लोग मेरे को बताना गाइस ये जो गाड़ी कैसी लग रही है, और गाइस इसको जो अपने डेली यूज में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या गाइस इसको सेल कर देना चाहिए? सेल तो नहीं करूँगा आई थिंक, जैसा बेनी बोलेगा वैसे करेंगे इसको, गाइस थोड़ा ना रिपेंट डिपेंट कर देंगे, जैसा बेनी बोलेगा वैसे करेंगे। अभी मैं बेनी को देख लेता हूँ भाई कहाँ रह गए यार। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सो गाइस अपने स्कॉर्पियो को भगाते बस सीधा गाइस अभी ना आगे की तरफ आ चुका हूँ, और गजर अभी तक ना ही मेरे को बेनी का अता पता कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। और लो वो आ रहा बेनी, अब यार इतनी ज़्यादा स्लो चलाता हुआ आ रहा है, उसका रेड ट्रक जो आप लोगों को सामने तरफ दिख चुका होगा, इसके गजर अंदर कौन सी गाड़ी है वो जा रही ग्रीन कलर की गाड़ी। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर बेनी को जाने देते हैं, और मैं सोचूँगा गजर यहाँ पर जो ना गाड़ी को भगाते हैं, और मैं गजर यहाँ पर जो एक थोड़ा देख लेता हूँ हुक्का हुक्का मार लो क्या, तो छोड़ते हैं हुक्का हुक्का क्या मारना यार। तो आप लोगों को मेरे को बताना गजर आप लोगों की गाड़ी कैसी लग रही है, और गजर वो जो दूसरी वाली गाड़ी है ना ग्रीन कलर की उसको भी गजर मैं चेक करने वाला हूँ, पहले गजर इससे थोड़ा मजे वजे ले लेते हैं। तो चलो गजर आई थिंक आज के डिकले में सकते हैं वीडियो को, अच्छी लगे अच्छी लगा कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब लेना, मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.